दोस्तों, इसमें हम अंकुर वाट सुबह सनराइज देखने के लिए आए हैं। 4:30 बजे ही होटल से निकले, इसमें 5:30 बजे हैं, 15 मिनट बाद सनराइज होने वाला है। भरी भीड़ है, आप देखिए बहुत भयंकर भीड़ चारों तरफ। और ये पीछे अंकुर वाट मंदिर है। 14वीं शताब्दी में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया था। इसका पुराना नाम यशोधरपुर है। 1880 में इसका नाम बदल करके अंकुर वाट कर दिया गया था। बिल्कुल सनराइज होने वाला है, 4 से 5 मिनट बचे हैं। ऊपर आने में हो सकता है 10 मिनट लग जाए। अंकुर वाट विष्णु भगवान का मंदिर। बिल्कुल निकलने आखिर जिसका इंतजार था वो आ ही गया। सन आ गया ऊपर, उसकी छाया पानी में पड़ रही है। सामने विष्णु भगवान का मंदिर है। आप इसके मंदिर के साथ साथ दर्शन और साथ में सूर्य देवता के भी दर्शन कीजिए। अंकुर वाट दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो बाद में बौद्ध मंदिर में बदल गया, लेकिन बौद्ध और हिंदू कोई अलग नहीं है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। मुझे लगता है कि लगभग 24 साल बाद पोखरा नेपाल के बाद हमने सनराइज देखने की कोशिश की है। ऐसा अद्भुत दृश्य बहुत बिरलों को नसीब होता है, या ऊपर वाले की कृपा थी भगवान विष्णु की कि हमको यहाँ खींच कर ले आई। मूल प्रोग्राम में यह शामिल नहीं था। अंदर भगवान विष्णु के विभिन्न भित्र चित्र भी मौजूद हैं। एक ऐसा दृश्य जिसको देखकर हम सभी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं उमड़ जाती हैं। एक ऐसा दृश्य जो हमें सनातन धर्म की याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कहां कहां दुनिया में फैली हुई हैं।
साक्षात विष्णु जी और सूर्य भगवान, आप प्यार से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।